Assalamu alaikum. Hello students. How are you? Fine. बहुत टाइम हो गया है घर पर, है ना? स्कूल मिस कर रहे हो ना? हम भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। दुआ करिए कि स्कूल जल्दी से रीओपन हो जाए, ठीक है? मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ और आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैथ्स की बुक आप लोगों ने वैसे तो खरीद ली होगी, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं कि हमें नहीं मिल पा रही है, तो उनका फ्रंट देखिए, बुक्स का फ्रंट ये है। बुक का नेम है मैथ मैजिक क्लास थर्ड। ये एनसीईआरटी की बुक है, ओके? सरकारी बुक है एनसीईआरटी की। इसका फ्रंट है, देख लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर शॉप पे जाइए और फिर ये बुक लाइए। चैप्टर फर्स्ट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर फर्स्ट सबको समझ में आ गया ना? और अगर नहीं आया हो तो मैंने इसका पूरा पीडीएफ भी आपको सॉल्यूशन का भेजा है। जिन बच्चों ने नहीं काम किया है और जो बच्चे न्यू ऐड हुए हैं, वो सब अपनी नोटबुक में ये कर लीजिएगा, वेयर टू लुक फ्रॉम। फर्स्ट चैप्टर का नेम था वेयर टू लुक फ्रॉम, ओके? अब सेकेंड चैप्टर है फन विथ नंबर। फन विथ नंबर समझ में आ रहा है आपको? फन यानी इंजॉय करना, खेल करना। खेल खेल में हम नंबर याद करेंगे या नंबर को पहचानेंगे कि नंबर किसे कहते हैं। हमें नंबर्स के साथ फन करना है, खेलना है, ठीक है? आपको खेल खेल में समझाया जाएगा कि नंबर कैसे होते हैं, किस तरह से काउंट किए जाते हैं, कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, एंड नंबर यूज कैसे किए जाते हैं। आपने नंबर्स तो अच्छे से देखे होंगे, जैसे कि आपके पापा की अगर बाइक होगी तो बाइक के पीछे एक नंबर लिखा होगा, नेम प्लेट, ठीक है, वो नंबर, ठीक है? आप क्लास में जाते हैं, आपसे मैम पूछती है कौन सी क्लास, आप थर्ड क्लास, तो थर्ड क्या होगा, आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपके नंबर का ये लेसन है। तो कम टू द पॉइंट, यस, लेट्स स्टार्ट फन विथ नंबर्स। अब आप बुक ओपन करके रखिए सेकेंड चैप्टर और देखिए, ठीक है? जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में बुक भी होनी चाहिए और बुक ओपन होनी चाहिए, ठीक है? चैप्टर टू पेज नंबर 13। इसमें देखिए एक फोटो बताई गई है कि कुछ बच्चे प्ले कर रहे हैं। प्ले में क्या कर रहे हैं वो? कुछ सीड कलेक्ट कर रहे हैं। सीड्स इसको कहते हैं बीज को। कुछ सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे इमली देखिए ना, उसके अंदर से ब्लैक कलर की सीड निकलती है ना, तो वो सीड कलेक्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने कितने सीड कलेक्ट किए, उसने कितने सीड कलेक्ट किए, है ना? तो इसमें कुछ बच्चों के नेम भी दिए हैं। नेम क्या है देखिए, एक राधिका, गोरी, सुनील, इमरान, विक्की। अब इनमें से मोर सीड कलेक्ट किसने किए हैं, लेस, मोर, यानी ज्यादा और कम। इस जो चैप्टर में इसमें बताया गया है इस पेज पर कि मोर एंड लेस, ठीक है, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है। तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसका आपको पीडीएफ बना के दे दूंगी, ठीक है, फिलअप्स। अब इसमें ये बताया गया, देखो फिलअप्स दे रखे पेज नंबर 13 में, कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स, यानी कि सबसे ज्यादा किसने सीड कलेक्ट की है। तो देखिए बच्चों, किसने करे, राधिका ने 24, बहुत कम। गोरी ने 47, हुर्रे, वो क्या कह रही, मैंने तो 47 करे, लेकिन 47 भी कम है। सुनील, हियर इज माय 38, मेरे पास सिर्फ 38 है, ये भी नहीं। अब इंदिरा को देखिए, आई गोट 54 सीड्स, उसने सबसे ज्यादा सीड कलेक्ट किए, कितने करे, 54। तो फर्स्ट कौन आ गई, फर्स्ट कौन आ गई, इंदिरा। आपका पहला फिलअप है, देश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स, सबसे ज्यादा कलेक्ट किसने करे, तो इंदिरा। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा इंदिरा, ओके? सेकेंड है सुनील, मार्क्स कलेक्ट देश मोर टू बी इक्वल टू विकी, ओके? सुनील ने कितने विकी के बराबर ज्यादा करे, ठीक है? तो सुनील ने कितने कलेक्ट करे थे, 38 सीड्स, कितने करे सुनील ने, करे हैं 38 सीड्स, ओके?
देखिए बुक में भी है। उसके बाद नाम किसका लिया है, विकी। विकी ने कितने कलेक्ट करे, विकी ने करे 42। तो वो ये कह रहे हैं कि सुनील ने विकी ने सुनील से कितने ज्यादा मोर, मोर का मतलब होता है अधिक। ओके, ये आपको मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, क्योंकि मोर यानी ज्यादा, अधिक, है ना। तो वो ये कह रहे हैं सुनील से विक्की ने कितने ज्यादा मोर। तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इसमें अब माइनस आ रहा है। मैंने कहा ना, खेल खेल में नंबर, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब आपको पता चलेगा। तो देखिए माइनस क्या होगा, 42 और 38 का माइनस होगा। जो आंसर आएगा वो आपको फिलअप करना है। तो 2 में से 8 नहीं जाएंगे, क्या करेंगे हम, बोरो सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे अपने। प्रीवियस क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आया तो प्रैक्टिस करिए नोटबुक पर, ये आपके आगे तक आएगा। 4 में से 1 बोरो ले लिया, ये हो गए 12 और ये हो गए 3। यहाँ से जब आपने 1 रुपीज बोरो ले लिया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बैकवर्ड काउंटिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 माइनस करने, सेकेंड क्लास तक तो मैंने आपको ऐसे करके बता दिया। अब आपको करना है सेल्फ, ये 12 में से 8 माइनस करेंगे। लेकिन अभी आप मेरे बिल्कुल फिजिकली सामने नहीं है तो मैं आपको लाइन करके बता रही हूँ। 12 में से 8 को माइनस करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने निकाल लिए। अब कितने हो गए, 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए 4। ओके, अब जो सेम नंबर होता है ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, सेम नंबर 3 3 है तो 3 - 3 = 0। यानी कि अगर सेम नंबर होगा, देखिए मैं एक बार आपको लाइन करके बता रही हूँ, 1 2 3 1 2 3 है, 3 में से अब उनको 3 माइनस कर रहे हैं तो 1 2 3 माइनस कर दिए, क्या हुआ 0। तो विक्की ने सुनील से कितने मोर सीट कलेक्ट किए, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। सेकंड का आंसर होगा 4। आ गया समझ में, आ गया ना। अब थर्ड है, इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीट शी विल हैव, अगर राधिका 6 सीट ज्यादा लेती तो किसके बराबर हो जाती। देखिए राधिका के कितने हैं, राधिका के हैं 24। राधिका ने कितने कलेक्ट किए थे, 24। और अगर वो 6 और कलेक्ट कर देती, मोर और कलेक्ट कर देती, तो उसके पास कितने सीट होते। तो देखिए अब यहां पर आ गया एडिशन, मोर का मतलब होता है प्लस, हमें बताना है कलेक्ट करके कि कितने आ रहे हैं। तो 4 और 6 कितने होते हैं, ऐड करना है, ये एडिशन का साइन है। 1 2 3 4 और 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये आ गए 10। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे सेम नंबर 10 तो 10 का 10 ही चलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। हमेशा एक सबसे अच्छी बात याद करिएगा कि मैथ्स हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। आप उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू की तरह से ही लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। तो आपको लेफ्ट का जो फर्स्ट नंबर है 0 वो यहाँ रखेंगे, वो 1 यहाँ। ओके, 4 6 10 10 का 0 1 यहाँ। अब 2 और 1 ऐड कर देंगे 3, तो 24 + 6 = 30। साथ में आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब चलेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना, ये लेसन आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। ओके,
ये मत सोचना कि ये स्टोरी है, इसमें कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे काम करना, इस स्टोरी के साथ में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलेगा और आपको ये कर करके रखना आंसर। मैं आपका देखूंगी नोटबुक में, साइड में आपका रफ काम होना चाहिए सारा। आप ऐसे आंसर जो मैंने भेजा है ऐसे नहीं रख देंगे, इसका सॉल्यूशन साइड में होना चाहिए। ओके, थर्ड है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 46, यानी कितने बच्चों ने 40 से ज्यादा कलेक्ट करे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ फोटोज देके काउंट कर लेना है। देखिए, एक तो विक्की इसमें 42 करे, एक इंदिरा इसमें 54 करे, गौरी इसमें 47 करे, बाकी इन दोनों ने 40 से कम करे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन हैव मोर देन 46। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड 3 मोर सीट टू हैव 50, किस बच्चे के अगर हम 3 ऐड कर देते तो 50 आते हैं, किस बच्चे का। फिर इसमें देखिए, पिक्चर में देखिए आप, 3 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएंगे, तो इसमें आंसर आएगा गौरी। गौरी के पास कितने हैं, गौरी के पास है 47 सीट्स, और इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि गौरी आंसर क्या आ जाएगा, गौरी। लास्ट में है सुनील हैज 2 सीट्स लेस देन 40, सुनील के पास 2 सीट्स कम है, अगर 2 सीट्स सुनील के पास ज्यादा हो जाते तो कितने हो जाते हैं 40, एंड विक्की हैज 2 सीट मोर देन 40, विक्की के पास सीट्स 2 ज्यादा हैं और सुनील के पास 2 सीट्स कम है। ये क्वेश्चन में ये बताया कि सुनील हैज 2 सीट्स लेस देन 40, अगर सुनील के पास में 2 सीट्स कम है इसलिए वो 30 है, तो किसके पास 2 सीट्स ज्यादा है तो उसके 40 हो रहा है, तो किसके पास है, विक्की के पास, विक्की के पास कुल कितने हैं 42 है, 42 किसके पास है, विक्की के पास है, तो अगर इसके माइनस 2 हो जाएंगे तो इसके हो जाएंगे 40। ठीक है, अगर हम विक्की के 2 माइनस कर देंगे तो उसमें तो हो जाएंगे सीट 40, और अगर हम सुनील के 38 अगर इसके 2 ऐड कर देते तो 40 हो जाता, यानी कि सुनील में तो 2 सीट्स ऐड करने और विक्की में 2 सीट माइनस करने। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें, विक्की के अगर हम 2 माइनस कर देते तो 40 हो जाते और सुनील के 2 ऐड कर देंगे तो 40, तो सुनील का तो नेम दे रखा देन विक्की का नाम नहीं दिया, तो आपको फिलअप में किसका नाम लिखना है, विक्की का। ओके, मैंने आपको ये फिलअप्स अच्छे से समझा दिए, अब मैं आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन वाला पूरा दूंगी, लेकिन आपका मैं वर्क साइड में नोटबुक में सॉल्यूशन वर्क देखूंगी, ऐसे नहीं कि जैसे मैंने आंसर दिया आपने फिलअप करके ला के दे दिया, लो मैडम, आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करना है, मैं सॉल्यूशन देखूंगी कि इसमें किसमें किसका माइनस करा, आपने कैसे ऐड करा, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट आंसर रख देंगे। ठीक है, अब इतना ही, नेक्स्ट हम पेज नंबर 19 का पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पेज नंबर 13 पढ़ा, सॉरी, अब हम पेज नंबर 14 और 15 कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।